रूस यूक्रेन जंग का 76वां दिन है और यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों के सायरन अभी भी बज रहे हैं। ओडेसा में रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद यूरोपियन यूनियन के चीफ ने तबाही का जायजा लिया। उधर मारियोपोल में रूस समर्थित स्थानीय लड़ाकों के विक्ट्री डे मनाने की भी तस्वीर सामने आई। यूक्रेन के प्रति समर्थन जाने के लिए पेरिस में आईफिल टावर को यूक्रेनी झंडे के रंग में रंग दिया गया। खारकीव से एक भावुक तस्वीर आई, 74 दिन बाद माँ बेटे आपस में मिले। मॉस्को में जब रूस विजय दिवस मना रहा था, यूक्रेन के शहर ओडिशा में बर्बादी की कहानी लिखी जा रही थी। जंग के 75वें दिन ओडिशा पर मिसाइल से विनाशकारी हमला हुआ। तस्वीरें तबाही की पूरी कहानी बयां करती हैं। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। यूक्रेन की आपात सेवा की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया। स्थानीय सिटी काउंसिल के मुताबिक मिसाइल हमले में 5 इमारतें नेस्तनाबूद हो गई। किसी के मरने की खबर नहीं है, हालांकि 2 लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक ओडिशा पर मिसाइल हमला रूसी नियंत्रण वाले क्रीमिया से हुआ है। ओडिशा पर यह हमला तब हुआ जब यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल वहां के दौरे पर थे। हमले के बाद माइकल उन इमारतों का जायजा लेने भी पहुंचे। उनके साथ यूक्रेन के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। यूक्रेनी पीएम के मुताबिक इस हमले में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो गई। मरने वालों में बच्ची, उसकी माँ और उसकी दादी शामिल है। जंग के दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, बर्बादी की नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये खारकीव की युद्धग्रस्त आईजूम की तस्वीर है। मिसाइल हमले में आईजूम की तमाम रिहायशी इमारतें बुरी तरह तहस नहस हो चुकी हैं। खिड़कियां, दरवाजे, शीशे, कुछ भी सलामत नहीं है। जगह जगह जले का निशान नजर आ रहा है। यूक्रेन में सबसे बड़ी जंग अजोस्टल स्टील प्लांट में चल रही है, जिसे डोनबास में यूक्रेनी फौज का आखिरी गढ़ माना जाता है। यूक्रेनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यहां फिर से हमला हुआ है। मारियोपोल रूस के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। क्रीमिया की तरह पुतिन डोनबास पर नियंत्रण चाहते हैं और उनके इस मिशन में अजोस्टल दीवार बना हुआ है। कल विजय दिवस के मौके पर पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को सीधा और साफ संदेश दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का हाथ और ज्यादा मजबूत करने के लिए यूक्रेन डेमोक्रेसी डिफेंस लैंड लीज एक्ट पर दस्तखत किया है। अब यूक्रेन को सैन्य साजो सामान निर्यात करना आसान हो जाएगा। इसी कानून ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को हराने में मदद की थी। रूस और यूक्रेन की जंग एक तरह से विश्व में वर्चस्व के लिए रूस और अमेरिका की जंग है। शह मात का खेल जारी है। इसका नतीजा बहुत जल्द नहीं आने वाला। हाँ, इसमें यूक्रेन जरूर तबाह और बर्बाद हो रहा है। आज तक ब्यूरो।